होमगार्ड की पूर्ण व्यवस्था है, तैराक लगे हुए हैं हर जगह, जहाँ नदी में आने के रास्ते हैं वहाँ तैराक जवान लगे हुए हैं और 3 बोट हमारे पास कंप्लीट तैयार है। अभी क्या स्थिति है? अभी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, सारे मंदिर डूब चुके हैं। अभी कितने जवान आपके यहाँ पर लगे हुए हैं, किस तरह से आप लोग ध्यान दे रहे हैं, अलाउंसमेंट भी कर रहे हैं? अलाउंसमेंट कर रहे हैं हमारे जवान, 4 पॉइंट बना रखे हैं, 4 आने के रास्ते जो है नदी में स्नान करने के यात्री के, वहाँ 4 पॉइंट पे 2-2 जवान लगा रखे हैं। आप अलाउंसमेंट भी कर रहे हैं? अलाउंसमेंट कर रहे हैं कि नदी में स्नान करना सख्त मना है, नदी बाढ़ पे चल रही है, डुबकी लगाएं घाट पे बैठ के और बाहर हो जाएं। उज्जैन और आसपास के इलाकों में हो रही लगातार बारिश के बाद से शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ने लगा है। उज्जैन की जो शिप्रा नदी का जो घाट है और राम घाट पर यहाँ पर जितने भी मंदिर है वो सब जलमग्न होने लगे हैं। आप देख सकते हैं मंदिर आधे से अधिक डूब चुके हैं और यहाँ पर जो है लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। पिछले जो है रात से ही जो बारिश हो रही है लगातार, जिसके चलते आसपास के इलाकों में इंदौर और देवास में जो बारिश हो रही है उससे शिप्रा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और जो यहाँ पर जो पंडे पुजारी हैं और यहाँ पे जो होमगार्ड के जवान हैं वो लगातार लगे हुए हैं और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु पिंडदान या तर्पण कराने आ रहे हैं उनको मनाही कर रहे हैं, ताकि जो है शिप्रा के घाट पर जगह नहीं है और जिसके कारण जो है यहाँ पर आने के लिए मना कर रहे हैं, क्योंकि घाट पर पानी बढ़ रहा है तो कोई भी जो है इस चीज से रिस्क लेना नहीं चाहेगा कि किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई घटना घटे। फिलहाल जो है प्रशासन ने होमगार्ड के जवानों को तैनात कर रखा है और एसडीआरएफ के जवानों को जो तैनात कर रखा है कि निचली बस्ती में यदि जल स्तर और बढ़ता है तो उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। उज्जैन से अजय पटवा, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।